नहीं खा पाए हैं, तो आज हमने सोचा है उनके लिए बनाएंगे केक स्पेशल। और हमने सोचा है या तो पिज्ज़ा या फिर गार्लिक स्टफ ब्रेड में से कुछ बनाएंगे उनके लिए, खाएंगे तो हम भी वैसे। और हम मीनवाइल हम जाके आ चुके हैं मार्केट, हम सामान भी जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए थे वो भी ले आए हैं, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। आगे भी लगाया और कैसे कैसे बना बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आगे आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा ये हम आ गए अपने किचन में और हमने बनाना शुरू कर दिया है अपना गार्लिक स्टफ ब्रेड और पिज्ज़ा। पता नहीं हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन कुछ तो बनाएंगे। क्या बनाने वाले हैं हम? Not decided yet. तो दोनों ही टफ लग रहे हैं, इसलिए कुछ भी बना सकती है, उल्लू भी बना सकती हूँ। तो या तो हम बनाएंगे पता नहीं क्या बनाएंगे, जब बनाएगी बनाएगी। बट मैं तो सोच रही हूँ मैं अपना केक बना लेती हूँ। मेरे पास है ओरियो बिस्किट और बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुपर इजी, जिसको कुकिंग बेकिंग कुछ नहीं करना आता वो ये भी बना लेगा। ओरियो का केक बहुत इजी है और मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाना है। तो ये रहे हमारे ओरियो बिस्किट। अब हमें क्रीम और बिस्किट को सेपरेट करना है केक का मिक्सचर बनाने के लिए। तो ये दिखेगा कुछ ऐसे, क्रीम हमने सेपरेट कर लिया है, बिस्किट हमारे पास है और अब इसे हमें बिल्कुल ग्राइंड जैसा करना है। पर ग्राइंड करने के लिए हमें मिक्सचर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम एकदम बेसिक चीज़ करेंगे। एक मैंने लिया है एक ब्रेड का रैपर, इसमें डालेंगे बिस्किट को और इसको जस्ट मैं क्रश करूँगी अच्छे तरीके से, तो ये एकदम ग्राइंड जैसा लगे। मैं आपको करके बताती हूँ। पसीने निकल गए गर्मी में, बाय लोग। तो खैर जब आप इसको अच्छे से फूट देंगे, चटनी बना देंगे, तो ये ऐसे कुछ पाउडर जैसा हो जाएगा। और अगर थोड़े बहुत भी मोटे चंक्स रहते हैं तो इट्स ओके। जब हम इसमें अभी मिल्क मिलाएंगे तो ये वैसे भी लिक्विड हो जाएगा। तो जो मिल्क आपको डालना है इसमें वो रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। और जैसे मैंने 4 ओरियो बिस्किट लिए थे छोटे वाले, तो इसमें अराउंड मैं 1.5 कप दूध डालूंगी एंड उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। बस इतने, हाँ नहीं, इसमें बेकिंग पाउडर डालना ना भूलिए। बेकिंग पाउडर इसमें चलेगा 1 चम्मच और चाहे तो आप थोड़ा सा कोको पाउडर भी मिला सकते हैं अगर आपके पास है, नहीं है तो इट्स ओके। वैसे भी इतना चॉकलेट ही होगा। बैटर बना रही हूँ तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, मैंने इसमें मिल्क डाल दिया है। और जब भी आप केक का बैटर बनाते हैं तो कभी भी विस्क ना करें उसे, हमेशा कट एंड फोल्ड करें, इससे ये फ्लफ़ी रहेगा। अगर आप विस्क करेंगे तो वो फ्लफ़ी नहीं हो पाएगा। साथ में हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और डालेंगे कोको पाउडर, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा, बिकॉज हम इसमें चॉकलेट भी यूज़ कर रहे हैं। हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। हमने बनाए हैं 4 पिज्ज़ा, 2 गार्लिक स्टफ्ड ब्रेड और हो रहा है मेरा केक बेक। बज चुके हैं 3, मम्मी पापा को हमने खिला दिया है, हम खा रहे हैं और हो चुके हैं लस्त पस्त। ये बहुत गर्मी थी और बहुत गर्मी है भी आज, पता नहीं मम्मी के बर्थडे में गर्मी होती है, मेरे बर्थडे में तो महा गर्मी होती है। तो अब जब गर्मी होती है कैसी होती है बर्थडे पर, ऐसी ऐसी गर्मी होती है कि
कोई काम के लिए ना बोल दो खाना वाना और तेरी वो सहेलियों का आना और फिर हम हाँ तेरी वो सहेलियों का आना और हमें मजदूरी करवाना जैसी केक बेक होता है आपको दिखाती हूँ और उसके डेकोरेशन के लिए भी मैंने चॉकलेट से बनाया और सबसे बड़ी बात कि मैंने दुकान वाले से मांगा था मिल्की बार का वाइट चॉकलेट तो उसने मुझे अमूल का चॉकलेट दिया उस पर भी वाइट मिल्की क्रीमी चॉकलेट लिखा था तो मेरे को लगा कि होगा वाइट चॉकलेट लेकिन जब हमने खोला तो वो ब्राउन चॉकलेट निकला मतलब पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया मतलब मुझे इसको डेकोरेशन के लिए कुछ बनाना था वाइट चॉकलेट से पर लेकिन वो बन नहीं पाया लेकिन अब मैंने ब्राउन चॉकलेट से ही बनाया है जैसे ही एक बारी केक बेक हो जाएगा और मैं जब उसे डेकोरेट करने जाऊँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखेगा और ये है फाइनल लुक मेरे केक का मैंने इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और इसका अपर पार्ट भी मैंने चॉकलेट से ग्लेज कर दिया है ये चॉकलेट टॉपिंग्स बनाए हैं लोगों को डिलीशियस खाना चाहेंगे दिस इज फाइनल लुक तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना और देखना है तो सब्सक्राइब कर देना और कुछ बोलना चाह रहे हो तो कमेंट कर देना और शेयर करना मत भूलना तब तक मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय 12 o'clock midnight